नाउ इसको हम कर देंगे, अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पर दूसरा आ गया। ठीक, और यहाँ पर वो विंडो को हमने वन सेकेंड लाना होगा, तो विंडो कहाँ है इसको फाइंड कर लेंगे। फिलहाल इस ये वाले को हम यहाँ से बंद कर देंगे, और इसको भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको हम हटा देंगे यहाँ से। एंड ओके, कंट्रोल डी से सिलेक्शन करके इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और ये जो हमने विंडो कटिंग की थी, नाउ कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम आएंगे। ठीक, तो हमने इसको क्या किया है, स्केल किया है, तो हमने कंट्रोल वी पूरे पर यहाँ पर विंडो लगाना होगा क्योंकि हमने इसको स्केल किया है। तो यहाँ पर कंट्रोल टी हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको दे देंगे हम बिल्कुल इसके साइज के अनुसार। एंटर प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो ट्रांसफॉर्म टूल है वो हट जाता है, और अल्ट के साथ इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। एंड सेम प्रोसेसर, कंट्रोल शिफ्ट एस आप दबाएंगे तो सेव एस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपने लोकेशन देखनी होगी कहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो नाउ आई क्लोन टेक्सचर। ठीक, यहाँ पर हम इसको PNG या फिर JPG जो चाहे वो रख सकते हैं, और यहाँ पर इसको हम करेंगे सेव। ठीक है, तो रीनेम इसको आप कर दें। तो नाउ इसको मैंने किया टू, एंटर सेव। वंस अगेन मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने लोड टेक्सचर पर वंस अगेन मैं गया, तो यहाँ पर ये टेक्सचर हमने इसको सेव किया था, ये वाला। ठीक है जी, तो ये देखें आप, ये मैन्युअली यहाँ पर आ गया टेक्सचर। तो नाउ ये जो वॉल हमने वायर फ्रेम किया था इसको हम नॉर्मल कर देंगे यहाँ से, तो इस तरह से आ गया। मिनिमाइज करेंगे इसको हम, और यहाँ से इसको भी हम कॉपी करके, एंड विंडो की भी यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। डब्ल्यू प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी बना लेंगे, और कंट्रोल के साथ एक और कॉपी बनाएंगे, इसको लेकर आएंगे हम इधर, और इसको यहाँ पर एडजस्ट करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे। एंड यहाँ पर यदि हम होम के अंदर जाएंगे तो ये जो है, जो बिल्कुल होम जो इसकी मेन जगह है वहाँ पर हमें ले जाकर छोड़ देगा। तो टेक्सचर आप जैसा चाहें वैसा लगा लें। एंड इसके बाद में हम इसकी छत बनाएं या फिर हम जाएंगे यदि यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर कुछ प्लर हैं, और लेकिन प्लर वगैरह हम लगाएंगे पहले छत में, यहाँ पर बना लेते। छत कैसे बनाएंगे, यहाँ से कंटेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमें टून फाइंड करना होगा, एंड ऐसे सेफ हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं जैसे कि आप छत बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एंड कॉलम में आप जाएंगे, और ये जो कॉलम है एंड ये वाला, इसको हम डबल क्लिक यहाँ पर करते हैं, तो ये बी सेंटर में आया है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अलाइन कर लेते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि अभी पता नहीं कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो बी सेंटर में अलाइन होगा, तो या फिर मैनुअली हम इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। नाउ मैंने इसको डब्ल्यू प्रेस किया तो ये अंदर ही शायद कहीं पर होगा, यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं अंदर है। डब्ल्यू प्रेस करेंगे, इसको हम ऊपर ले आते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं तो पता नहीं रहता है आखिर ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो बेहतर होता है कि हम उसको अलाइन कर लेते हैं किसी भी उसके साथ में। तो यहाँ पर अलाइन पर हम क्लिक करेंगे और किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ इसको हम अलाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जेड में हम जाएंगे तो नीचे गया। ठीक है, और यदि जेड को हम हटाएं और बाई में हम जाएं तो
साइड में गया, और यहाँ पर एक्स में हम जाएं तो इधर आ गया, और यहाँ पर ठीक। तो इस तरह से हम इसको अलाइन कर सकते हैं, सभी एंगल आप प्रॉपर चेक कर लें ठीक। तो ये वॉल के साथ में हमने इसको अलाइन किया है वाई एंड जेड, और यहाँ पर ठीक। तो ये इसका ठीक है ओके, अभी इसके साथ अलाइन हो गया। और यहाँ पर हम फिर थोड़ा सा इसको जूम करके इधर आएंगे, एक्स प्रेस करके इधर आएंगे, और नाउ डब्ल्यू प्रेस करेंगे ऊपर हम लेकर आएंगे इसको, और यहाँ से ऊपर हम बिल्कुल स्नैप करके ले आएंगे तो इससे चिपक जाएगा। ई प्रेस करेंगे रोटेट आ जाएगा, और इस तरह से हम घुमाकर यहाँ पर इसको इसको यहाँ पर आप देखें। तो यहाँ पर यदि आप इसके जो मॉडिफाई पैनल में आप देख सकते हैं क्या बाई जो है माइनस में 90 यदि हम इसको रखेंगे तो ये मैन्युअली रोटेट होगा, यानी कि बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर बाय में हम यहाँ पर माइनस रखेंगे और माइनस 90, तो बिल्कुल सही है। और डब्लू प्रेस करेंगे तो हम ये इसके साथ स्नैप इसको हम कर देंगे बिल्कुल फिक्स, हमने इसको इसके साथ किया, और यहाँ पर हम इस सीन को रोटेट कर लेते हैं ठीक। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी लंबाई हम यहाँ पर स्केल कर लेते हैं, यहाँ पर आर प्रेस किया और इसको हम स्केल कर लेते हैं इस तरह से ठीक है। इधर निकालना है बाहर तो निकाल सकते हैं, डब्लू प्रेस करें और पहले इसको इधर ले आते हैं, फिर से हमने आर प्रेस किया और इसको लेकर आएंगे हम इधर। जितना भी आप इसको बाहर निकालना चाहें उतना बाहर रख सकते हैं, और इसको फिर बाद में इधर ले आए एंड सी प्रेस करें, और यहाँ से फिर से हमने डब्ल्यू प्रेस किया, और थोड़ा सा हम इसको यदि इधर लेकर आना चाहें तो इधर ले आए। नाउ एक्स प्रेस करेंगे इधर लेकर आएंगे, और फिर से हम आर प्रेस करके इसको स्केल कर ले, लेकिन स्केल हम करेंगे तो ये इधर ही आएगा, तो ये साइड हम स्केल कर रहे हैं। तो नाउ डब्ल्यू प्रेस करेंगे थोड़ा सा इसको हम बीच में लेकर आते हैं, एंड आर प्रेस करेंगे वंस अगेन ठीक है। हमने इसको स्केल किया, तो इसको यदि हम यहाँ तक लेकर आना चाहते हैं कंप्लीट लोबी के साथ में, तो इसको हम कंप्लीट लोबी के साथ लेकर आ सकते हैं। फिर से आर प्रेस करेंगे और स्केल कर लेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे आगे की तरफ लेकर आएंगे, एंड सी प्रेस करके इधर देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। एक साइड में ज़्यादा है तो फिर से डब्ल्यू प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इधर लेकर आए ठीक है। अब यदि ये स्नैप हो जा रहा है तो आप क्या करें वहाँ से ठीक थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इसको, और इधर लेकर आते हैं थोड़ा सा ठीक है। ये जो इस तरह की छत होती है इस तरह से बाहर निकली होती है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा छिपला है, तो इसको क्या कर लेंगे इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं, आर प्रेस करेंगे और थोड़ा सा हाइट में इसको उठा लेते हैं, एंड डब्लू प्रेस करें ठीक है, और इसको स्नैप कर लें बिल्कुल। एंड इसको भी हम सेम प्रोसेसर करेंगे, एंड इसको यहाँ पर हम आए इसके अंदर ठीक है, इसको भी हमने टेक्सचरिंग करना होगा। अब हम इसको टेक्सचर लगाएंगे, जो खपड़ैल होती है वैसा टेक्सचर हम देख लेते हैं, एंड इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल गया, थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं एंड इधर थोड़ा ज़्यादा है तो इसको इधर ले आते हैं। एंड इसको अब हम टेक्सचर लगा लेते हैं, टेक्सचर लगाने के लिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे वन सेकेंड मटेरियल एडिटर पर, लेकिन इसको टेक्सचर हम लगाएंगे कैसे, टेक्सचर हम लगाएंगे गूगल में जाएंगे और यहाँ से हम टेक्सचर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे टाइल का टेक्सचर हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर
और यहाँ से यदि हम नीचे आए तो आपको सर्च करना होगा टैक्सर, ठीक है। तो ये एक अप्रैल का है, इसको यदि हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे मल्टी ऑप्शन मल्टी ओ टैक्सर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो टैक्सर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यूजली ये वाला टैक्सर अधिक चलता है, यहाँ पर यदि हम आए तो बहुत सारे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे यहाँ पर टैक्सर के। एंड इसको हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। एंड सेम वही तरीका है, चाहे तो हम इसका जो ये यूवी है इसको हम फोटोशॉप के अंदर ले जाकर, और यहाँ पर हमें इसकी जो है पूरी प्लानिंग ये मिल जाएगी, ये इस तरह से साइड से, ठीक है, यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर क्या देना और किस तरह से यहाँ पर टेक्सचर लगाना है, या फिर इसको मैनुअली भी आप लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टेक्सचर को अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं तो काफी बड़ा बड़ा टेक्सचर है, एंड इसको हम थोड़ा छोटा करना है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे नीचे आएंगे हम थोड़ा, और यहाँ पर ठीक है, तो ये प्लेन है तो हम क्या करते हैं इसको बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर, या फिर प्लेन को ही हम यहाँ पर इसको हम बाई में पहले करके देख लेते हैं, और यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, एंड जेड में करके देखें तो कुछ ऐसे आएगा, और या फिर एंड बॉक्स में यदि हम इसको अप्लाई करें फिर कैसे आएगा देख लेते हैं। और इसको तो, या फिर इसको हम फोटोशॉप के अंदर भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनलॉक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कपड़े को ले आएंगे और नाउ कंट्रोल ए कंट्रोल सी के साथ इसको हम कॉपी कर लेंगे और आएंगे इसके यहाँ पर यूवी में, और यहाँ पर कंट्रोल बी हम प्रेस करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर आ गई। नाउ कंट्रोल टी हम प्रेस करेंगे तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे चाहें वैसे हम इसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो थोड़ा घना करके देना है तो हम इसको घना करके दे सकते हैं, यहाँ पर इसको हम स्केल कर लेंगे एंड कंट्रोल प्लस के साथ इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा और छोटा करना है तो और छोटा कर सकते हैं, एक की हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एक को, नाउ एंट्री के साथ मैंने हटा दिया और अल्ट के साथ इसकी एक और कॉपी हमने की। दोनों को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल ई के साथ मर्ज कर देंगे, कंट्रोल माइनस के साथ छोटा करेंगे, बी प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा, और फिर से अल्ट दबाएंगे तो इसकी एक और कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, ये जो बाकी जगह छूट रही है उसको कवर कर देते हैं, फिर से वन सेकेंड जाएंगे, बी प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ इसकी कॉपी बना लेते हैं। एंड ये जो हमें इसके साइड जो दिख रही है उसके अंदर टाइलिंग हम नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम कलर यहाँ पर फिल करते हैं, तो कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे सेलेक्ट तो यहाँ पर आई डॉट पर टूल आ जाएगा, जो कलर यहाँ पर फिल करना चाहें कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ से बना लें और उतना एरिया पहले सेलेक्ट कर लें जितने में कि आपने कलर फिल करना, तो यहाँ से एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और कीबोर्ड से हम पी प्रेस करके पेन टूल यहाँ पर लेंगे और उतना एरिया यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे जितने एरिया में हमें यहाँ पर कलर इसको बनाना है, कंट्रोल जेड करके बैक जाएंगे और यहाँ से आएंगे और कुछ इस तरह से, ठीक। यहाँ पर बिल्कुल हम सीधा इसको ले लेंगे, एक्स्ट्रा जगह हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो सारी जगह कवर होनी चाहिए। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, नाउ कंट्रोल माइनस करके छोटा करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एस करके सेव एस करेंगे इसकी हम कॉपी का, और पीसी में जाएंगे, ई में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे हम क्लासेस के अंदर, और यहाँ से हम आइकन को फाइंड करेंगे और होम के अंदर जाएंगे, टेक्सचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इस टेक्सचर को हम कर देंगे सेव। आप इसको पीएनजी या फिर जेपीजी जो भी चाहें वो कर सकते हैं, सेव करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब
यदि हम वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोड पर जाएंगे, तो यहाँ से क्या करना होगा, हमने इसे प्लानर करके और यहाँ पर एक्स में था तो एक्स इसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ से, एंड वाई था ओके। तो वंस अगेन हमें आना होगा ऊपर की तरफ और यहाँ पर आकर हम लोड करेंगे इस टेक्सचर को। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से हम जाएंगे लोड के अंदर और लोड टेक्सचर पर हम जाएंगे। तो ये जो टेक्सचर हमें हमने अभी बनाया है इसको यहाँ पर हम लोड कर देंगे। एंड कुछ जगह छूट रही है जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, एंड क्या जगह छूटी है और क्यों ये इसको। ठीक है, तो मैनुअली तो टेक्सचर ठीक आया है और ये इधर की जगह साइड में आ गया। एंड तो नाउ इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से फोटोशॉप के अंदर आएंगे और जो पूरा है इसके अंदर हम यहाँ पर टेक्सचर ही फिल कर देते हैं। नाउ सभी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ये जो लेयर है इसलिए हम न्यू में काम करते हैं ताकि उसको हम जरूरत पड़ने पर हटा सकें। शिफ्ट के साथ सभी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ई के साथ मर्ज कर देंगे, कंट्रोल टी से हम करेंगे इनको बड़ा और यहाँ पर पूरी इमेज को हम कवर कर देंगे। एंड कंट्रोल टी थोड़ा सा बाहर निकल जाए, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेक्सचर पूरे में प्रॉपर आना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और वापस इसको हम उसी लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर हम पहले थे, यहाँ बैक, और यहाँ से जाएंगे हम दिस पीसी और यहाँ से एंड न्यू क्लासेस एंड आई क्लोन और यहाँ पर वंस अगेन पे ही जाएंगे और यहाँ पर हम इसको चाहे तो PNG या फिर JPG में सेव कर देंगे। और नाउ ये था इसी को हम सेव कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे तो सेव एस यहाँ पर हो जाएगा। और फिर से हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लोड पर और लोड के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर हम इस टेक्सचर को वापस करेंगे अप्लाई, तो यहाँ पर ये कंप्लीट फिल हो गया है। यदि हम इस घर को देखें तो इसकी हाइट एंड काफी ज्यादा है और हमारी हाइट काफी कम है। यहाँ पर हम आए इधर, इसकी हाइट को हम थोड़ा और इसको हम ग्रो कर लेंगे। नाउ W प्रेस करेंगे और थोड़ा सा कराएंगे, सॉरी R प्रेस करेंगे और इसको हम स्केल कर लेंगे थोड़ा सा, एंड W प्रेस करके थोड़ा ऊपर लेकर आएंगे। एंड थोड़ा आगे ज्यादा है तो इसको हम थोड़ा वापस लेकर आएंगे। एंड ये ज्यादा लंबा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, एंड ब्रांड ए के लिए अलग बनाएंगे और इसके लिए अलग बना देंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको इसके साथ में कर देंगे इसको फिक्स। नाउ सी के साथ एंड ये घर हमारा जो है रेडी हो गया है और इसको हम लाल फाइल को यहाँ पर कर देंगे हम सेव और आने वाले क्लास में हम बनाएंगे इसका जो आगे का है इसको हम आने वाले क्लास में बनाएंगे इसकी बाउंड्री और साथ में मल्टीपल कॉपीज की हम तैयार करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आज के लिए इतना ही। को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।